फ्रेंड्स मैं हूं रेखा सिंह स्वागत करती हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल career स्टडीज hub पर आज हम एंथ्रोपोलॉजी के एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे 64th बीपीएससी इंटरव्यू के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स की डिमांड थी काफी दिनों से तो एंथ्रोपोलॉजी के जो स्कॉलर थे उनसे बात करके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो इंटरव्यू uh, में पूछे जाते हैं अक्सर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बेसिक क्वेश्चन है जिनको ईयर आफ्टर ईयर इंटरव्यू में पूछा जाता है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल होल्ड करने वाले कैंडिडेट से फाइन लेट्स मूव देखिए फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 25 से 30 क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं जो भी कैंडिडेट्स जिनका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल से वो जो मेंस लिखे हैं और अब इंटरव्यू में अपेयर होने जाएंगे उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है फाइन तो क्या बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं मानव विज्ञान जिनके पास ऑप्शनल होता है सबसे पहले तो देखिए यही क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी वो ये जानना चाहते हैं कि आपको इसके बारे में पता भी है या नहीं ठीक है ऑल दो मीन लिखे होते हैं तो नॉलेज काफी होती है बट देन ऑल्सो दे वॉन्ट टू नो द मीनिंग वो मीनिंग पूछते हैं कभी कभी पूछ लेते हैं हिस्ट्री से आप क्या समझते हैं ठीक है थीके? सोशोलॉजी से आप क्या समझते हैं तो आपको पहले सबसे पहले तो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का मीनिंग पता होना चाहिए ठीक है एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है नरविज्ञान मानव विज्ञान से आप क्या समझते हैं वो आप देख लीजिएगा उसके बाद जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वहाँ एक कॉमन क्वेश्चन बन जाता है वाई यू चूज एन एंथ्रोपोलॉजी डिस्पाइट हैविंग अदर बैकग्राउंड अगर आपका बैकग्राउंड कुछ और है जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है किसी का ह्यूमैनिटीज है किसी ने कॉमर्स से किया है और उसके बाद इस ऑप्शनल को चूज करते हैं तब बोर्ड मेंबर्स आपसे पूछ सकते हैं दैट वाई यू चूज दैट एंड दैट ऑप्शनल तो आपको पता होना चाहिए कि आपने ये ऑप्शनल क्यों चूज किया है फाइन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद विच केम फर्स्ट मोनोथीज्म और पॉलीथीज्म ये क्वेश्चन भी बोर्ड मेंबर्स ने कई बार पूछा है पॉलिथिज्म का मतलब होता है बहुदेववाद और आपका मोनोथीज्म का मतलब होता है एकेश्वरवाद तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी पूछ लेते हैं उसके बाद व्हाट इज रेस नस्ल क्या होती है हाउ डू यू डिफाइन इट आप इसे कैसे डिफाइन करोगे डू यू अंडरस्टैंड वट डू यू अंडरस्ट फ्रॉम से आप क्या समझते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एंथ्रोपोलॉजी वाले कैंडिडेट से हाउ केन बी अंडरस्टैंड ह्यूमन बींग्स हम ह्यूमन बींग्स को कैसे समझ सकते हैं फाइन क्योंकि इसमें स्टडी भी ह्यूमन्स की होती है तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है हाउ केन बी स्टडी देम हम उन्हें कैसे स्टडी कर सकते हैं ठीक है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ मच मास एक्सटेंशन हैज बीन कंप्लीटेड अब तक कितने सामूहिक जो विनाश हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं ठीक है चार पांच छह जितने भी एक्सटेंशन अब तक हो चुके हैं उसके बारे में आपको बताना होगा पूछा जा चुका है फाइन दैट इज उसके बाद वाई आर पीपल ऑल डिफरेंट फिजिकली लोग पूरी तरह से अन लाइक विभिन्न क्यों होते हैं डिफरेंट क्यों होते हैं फिजिकली शारीरिक तौर पर ये क्वेश्चन है एक व्हाई लैंग्वेजेस आर डिसअपीयरिंग एंड व्हाई देखिए लैंग्वेजेस डिसअपीयरिंग क्यों हो रही हैं जो भाषाएं हैं घटती क्यों चली जा रही हैं क्यों कम हो रही हैं उनके डिसअपीयरेंस का क्या कारण है और क्यों वो डिसअपीयर हो रहे हैं व्हाट डज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट डू एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है इंटरव्यू में फाइन तो इसको देख लीजिएगा उसके बाद हु द एनिमिज्म एनिमिज्म के फाउंडर कौन थे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है देखिए अगर जब बोर्ड मेंबर्स में से जो बोर्ड मेंबर्स हैं आपके उनमें से अगर किसी का बैकग्राउंड एंथ्रोपोलॉजी नहीं है तो वो सिर्फ आपसे बेसिक क्वेश्चन में नहीं जाएंगे ठीक है तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं अगर किसी बोर्ड मेंबर्स का बैकग्राउंड है एंथ्रोपोलॉजी तब वो आपसे थोड़ा बहुत डेप्थ में जाके पूछ सकते हैं बट दैट इज ओके अगर आप उसका सवाल भी नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका जो नॉलेज का चेक था वो मेंस में हो चुका था इसीलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लार्ज आप कोशिश कीजिएगा अगर पांच भी क्वेश्चन आपके ऑप्शनल आप से पूछे जाते हैं तो उनमें से तीन का जवाब दे सको आप फाइन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज मेजर ट्राइब्स ऑफ बिहार ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है बिहार की विभिन्न जन जनजातियों के बारे में बताइए तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए ठीक है देखिए बिहार में काफी ट्राइब्स अभी भी रहती हैं Uh, जो बिहार का टोटल पॉपुलेशन है उसका 1.3 जो है वो ट्राइब्स ट्राइब्स करती हैं हैं रहती है। उसमें से जो मेजर ट्राइब है वो आपकी संथाल है संथाल झारखंड में भी हैं बिहार में भी हैं फिर आपका बातुंडी ट्राइब है उसके बाद बिंजिया ट्राइब भी यहाँ रहती है उसके बाद बिडजिया ट्राइब भी है यहाँ पे एक चिक चिकबेराक ट्राइब भी रहती है ये सारे ट्राइब्स के बारे में एक बार पढ़ के इंपॉर्टेंट है ठीक है आपको पता होना चाहिए इन ट्राइब्स के बारे में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम ट्राइबल पीपल इन बिहार बिहार में जो ट्राइबल्स हैं वो किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं ठीक है कुड यू टेल मी विच वॉज द बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ह्यूमन स्पीसीज इन द पास्ट पास्ट में सबसे बिगेस्ट और सबसे पावरफुल ह्यूमन स्पीसीज कौन सी थी ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जब अगर एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब एंथ्रोपोलॉजी बैकग्राउंड से कोई बोर्ड मेंबर नहीं होंगे तब भी वो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं ये बेसिक क्वेश्चन है जो एंथ्रोपोलॉजी के स्कॉलर से पूछ के आपके लिए तैयार किए गए हैं उसके बाद आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी टू प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्लानिंग और डेवलपमेंट में एंथ्रोपोलॉजी का क्या योगदान है ट्राइबल प्रॉब्लम ट्राइबल्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके क्या कारण है उनसे क्या कॉन्सिक्वेंस जैसे बहुत सारे रिवॉल्ट हुए हैं पास्ट में जैसे संथल अपराइजिंग मुंडा रिवॉल्ट तो वो सब और उनके सल्यूशन्स अब जो प्रॉब्लम ट्राइबल्स की लाइफ में है उनके क्या सोल्यूशंस आप देना चाहेंगे वट इज द पॉसिबल सोल्यूशन टू द लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया भारत में जो लैंग्वेज प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है नदन नदन इंडिया और साउथ सदर्न इंडिया के बीच में उसका पॉसिबल सल्यूशन आप क्या देना चाहेंगे ठीक है मैंशन सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बताइए जो लैंग्वेज से रिलेट करते हैं आर्टिकल 343 इसके बारे में बात करता है आप देख लीजिएगा ठीक है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ऑफिशियल एक्ट से दैट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन उसमें कहा जाता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगी यूनियन की दैट विल बी हिंदी और उसके बाद हिंदी इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत की बट इट वाज नेवर गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज पर इसे नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस कभी नहीं मिला है ठीक है हिंदी को तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है इज इज अ नेसेसिटी ऑफ नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया में नेशनल लैंग्वेज uh, की नेसेसिटी है क्या ठीक है एज इंडिया बींग मल्टीलैंग कंट्री भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और आज तक एक भी सिंगल नेशनल लैंग्वेज नहीं है वाई इंडिया डज नॉट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज अभी तक भारत में कोई भी नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं है क्या कारण है इसका ये आपको पता होना चाहिए वट इज द डिफरेंस बिटवीन डायलेक्ट एंड लैंग्वेज डायलेक्ट और लैंग्वेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको पता होना चाहिए देखिए लैंग्वेज इज रिटिन लैंग्वेज लिखी भी जाती है और बोली भी जाती है रिटिन एज वेल एज स्पोकन बट डायलेक्ट इज जस्ट स्पोकन और डायलेक्ट देखिए हर दो किलोमीटर पर बदल सकता है डायलेक्ट का मतलब होता है डिफरेंट Uh, चीजें का इस्तेमाल करके जिन जिन भाषाओं को बोला जाता है देखिए हर किसी गांव में जो भाषा बोली जाती है उसका डायलेक्ट अलग होता है तो डायलेक्ट आर ओनली स्पोकन लैंग्वेज रिटर्न तो ये क्वेश्चन होगा उसके बाद आपका मेंशन द मेजर रेसेस ऑफ इंडिया भारत में कौन कौन सी नस्ल पाई जाती हैं उनके बारे में बताइए मेजर ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ बिहार बिहार के जो मेजर ट्राइबल मूवमेंट्स अब तक हुए हैं उनके बारे में बताइए तो आपका संथल हो गया बिरसा हो गया ठीक है अपराइजिंग हो गई ढेर सारी ट्राइबल मूवमेंट्स थे बिहार के चार पांच छह इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ लीजिएगा उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल कास्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है उनके बारे में ये पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं पास्ट ईयर में व्हाट आर द प्रॉब्लम्स प्रॉब नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकता के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं ठीक है ठीके? क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है आर द चैलेंजेस ऑफ मैरिज मैरिज के क्या चैलेंजेस हैं वट कॉजेज मैरिजेस टू फेल किन कारणों की वजह से जो मैरिजेस हैं वो फेल हो रही है देखिए मैरिजेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जो ऑप्शनल है उसका ठीक है तो इसके बारे में हर बोर्ड मेंबर्स को नॉलेज होती है तो इसे क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सारे जो एंथ्रोपोलॉजी के कैंडिडेट्स थे प्रीवियस इयर्स में उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया है वाई डू मॉडर्न मैरेजेज फेल जो मॉडर्न मैरिजेस हैं आज के समय में जो शादियां हो रही हैं वो फेल क्यों हो रही हैं विद फास्ट रेट तेजी से उनका फेल होने का टूटने का क्या कारण है, शादियां है। क्यों शादियां टूट रही हैं व्हाई मैरिज इज कॉल्ड एन इंस्टीट्यूशन मैरिज को इंस्टीट्यूशन क्यों कहा जाता है

Totemism के बारे में देख लीजिएगा स्टडी सम फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन ब्रीफ देखिए जो भी फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में एक बार ब्रीफ में देख लीजिएगा जैसे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात करें तो रथ वेनेडिक्ट मार्गरेट मीड फ्रांस बॉयज़ ब्रीफ में बहुत कम में दो चार लाइन में उनके बारे में देख लीजिएगा उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था आपसे बोला जा सकता है कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में बताइए अगर बोर्ड मेंबर को किसी का नाम पता होगा तभी उसके बारे में डिटेल में जाके पूछेंगे अदरवाइज नहीं डार और लेमार्क के बारे में पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनके नाम सबको पता रहते हैं इन दोनों एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम तो ये इंपॉर्टेंट है उसके बाद संस्कृताइजेशन के बारे में देख लीजिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाता है वेस्टर्नाइजेशन से भी आ जाता है पूछ लेते हैं हम्म okay. ओके तो ये इन टोटल थर्टी क्वेश्चन थे आप इतना तैयार कर लोगे तो आपको ऑप्शनल तैयार हो जाएगा ऑलमोस्ट उसके अलावा तो आपने सारा पढ़ा ही हुआ है बट ये कुछ क्वेश्चन हैं जो इंटरव्यू में ईयर आफ्टर ईयर पूछे जाते हैं फाइन ये कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं आई होप आपको क्लियर हो गया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो भी फ्रेंड्स आपके एंथ्रोपोलॉजी से आप लिखे हैं मेंस उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं अच्छे से तैयारी कीजिए ऑल द वेरी बेस्ट